नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके एक कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए और इसके फायदे क्या होते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के मुताबिक ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपनी कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनों, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वो प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। पावर ऑफ अटर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। इधर रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजहों से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम न हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपको दी। पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आदित्य सरीन जी। आदित्य जी, अगर आपका पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नंबर है 01206127967। इसके अलावा एक और नंबर है 01206127938। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे हम आज जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पावर ऑफ अटर्नी की जब हम बात कर रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नी आखिरकार कानून की परिभाषा में होता क्या है, कैसे इसको परिभाषित किया जाता है? पूजा जी, जो पावर ऑफ अटर्नी होता है वो लेमैन टर्म्स में एक अथॉरिटी लेटर होता है। जैसे आपने मेंशन किया, अगर आप फिजिकली अनेबल हैं या आप देश से बाहर रहते हैं तो आप इधर किसी को अपनी अथॉरिटी दे सकते हैं, जो आपने बोला एजेंट अथॉरिटी दे सकते हैं टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स जी। तो बेसिकली ये लेमैन टर्म्स में एक अथॉरिटी लेटर होता है जो एक एजेंट को मिलता है टू डील विद वेरियस इश्यूज रेंज फ्रॉम एवरीथिंग, बायिंग अ हाउस, बैंक इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये तो आपने बताया परिभाषा क्या है। अब अगर हम आदित्य जी बात करें, पावर ऑफ अटर्नी कितने तरह की होती है, ये किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? पूजा जी, पावर ऑफ अटर्नी ब्रॉडली दो किस्म की होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है वो एक ब्रॉड सेंस में अथॉरिटी लेटर होता है जो आप एजेंट को देते हैं, अंडर विच द एजेंट हैज द पावर टू डील विद द बैंक, टू डील टू गिव योर रेंट और टू रिसीव रेंट, या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई घर वर खरीदना हो तो उसमें भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होता है वो एक बड़े स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है जी। अब डिफरेंस ये है कि जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है वो पावर ऑफ अटर्नी ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाती है। जैसे पूजा जी, आपको एग्जांपल दूं, अगर आप सपोज आप कहीं फॉरेन गए और आप फॉर सम रीजन वहां रुक गए और आपको इधर कोई काम है, कोई आप घर खरीद रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके पास आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देके अपने एजेंट को इंडिया में ऑथराइज कर सकते हो कि इस काम के लिए आप ये कर दो जी, कैसे हो कुछ भी हो। ये तो रही बात कि कितने तरह की पावर ऑफ अटर्नी होती है। अब अगर हम बात करें आदित्य जी, पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैध कही जा सकती है और किन हालातों में ये अवैध हो जाती है? देखिए पूजा जी, पावर ऑफ अटर्नी अगर दो चीजें हो सकती है, या कि पावर ऑफ अटर्नी
स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, तो जैसे मैंने बताया वो पर्पस खत्म होते ही वो खत्म हो जाएगी। जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हो सकती है, टिल द टाइम प्रिंसिपल रिवोक्स इट। जी, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कि अगर कई कई जैसे सिचुएशंस में होता है कि अगर आपका एजेंट अपने जो अथॉरिटी है उसके दायरे से बाहर जाके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रिंसिपल उस समय भी रिवोक कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसी में ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है सर? पूजा जी, इसका मतलब सिंपल ही है। इसका मतलब होता है कि अगर आपको आज मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी और कल मैं आई एम नॉट मेंटली केपेबल टू मेक अ डिसीजन, तो जो ये जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी है ये आपको राइट एज एन एजेंट देता है दैट डिस्पाइट मी बीइंग मेंटली इनकेपेबल टू डू एक्ट्स ऑन माय बिहाफ। ठीक है, अब पावर ऑफ अटर्नी के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसका किसी तरीके से कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, और अगर गलत इस्तेमाल इसका हो सकता है तो उसको रोका कैसे जाए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जाने अनजाने इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, तो कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे कोई इसका मिसयूज ना करे, इसका ख्याल कैसे रखा जाए? तो पूजा जी, सबसे पहला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, अंडर इंडियन लॉ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो एजेंट की पावर है जिसके लिए आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है और जिस काम के लिए, तो उसमें उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। जैसे ही उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इमीडिएटली प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अगर मैंने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी एक घर खरीदने के लिए, ठीक है, तो और एजेंट गया, वो गया सेलर के पास और सेलर ने बोला एजेंट को कि जी जितना अमाउंट मुझे मिलेगा मैं उसका आपको 1% दे दूंगा, ठीक है, तो इसमें एजेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो जो एजेंट की पावर्स है उसके दायरे से बाहर जाके कर रहा है, जो उसकी कमीशन है, तो उस मामले में प्रिंसिपल को इमीडिएटली रिवोक कर देनी चाहिए। और जो जनरल कंडीशंस होती हैं, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी आप उसी को दीजिए जो आपका ब्लड रिलेटिव, आप किसी रैंडम एजेंट को मत बनाइए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोई काम हो, जैसे हमारे नाम पे हम नहीं बट बहुत सारी कंपनीज एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देती है एक इंडिविजुअल को केस फाइल करने के लिए, तो उसका स्कोप ही वही है केस फाइल करना, तो उसमें जो स्कोप है गड़बड़ होने की वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन के संबंध में किस तरह से प्रक्रिया उसकी होती है, और ये क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन होना, इसकी अनिवार्यता क्या है, मतलब जनरल पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी सवाल हैं और जो भी प्रक्रिया है वो हम चाहते हैं आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल जी, तो जब जनरल पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो आपको जब आप एग्जीक्यूट करते हो वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जैसे दिल्ली में आपको 100 रुपए का स्टैम्प पेपर उसके साथ लगाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है उस पर, ऊपर से फिर आप डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देते हो। अब इसका मूल्य ये है जनरल पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्रेशन का, दोनों तरफ से, प्रिंसिपल के लिए भी और एजेंट के लिए भी, कि आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करो, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ या कोई घर खरीदने के लिए आपने पावर ऑफ अटर्नी ली हुई है, हर कोई जो है वो आपसे रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी ही मांगेगा, क्योंकि अंडर इंडियन लॉ अ पावर ऑफ अटर्नी जब तक रजिस्टर्ड ना हो इट्स अ यूजलेस पीस ऑफ पेपर। चलिए, वो रजिस्टर्ड होनी बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं, हाँ, अगर वो नहीं है तो यूजलेस है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, कोई उपयोग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में हम बात करें, अगर भारत से किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटर्नी तैयार और रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, इसके बारे में भी जरा आदित्य जी बताइए। बिल्कुल,
तो पूजा जी है क्या, एक अगर आप एनआरआई हैं और आप से आप यूके में हैं, ठीक है, तो अगर और आपको पावर ऑफ अटर्नी आपके भाई को देनी है, बहन को देनी है कुछ इंडिया में काम के लिए, तो होता क्या है, एक कन्वेंशन है जिससे अपोसल कहते हैं, अपोसल एक नोटरी होता है, तो आप जो 180 कंट्रीज हैं इसमें अपोसल में, तो आप उस कंट्री से आप अपोसल करा के इधर भिजवा सकते हैं जी। बट ये स्पेशल पावर ऑफ अटोर्नी के लिए भी होता है और जनरल पावर ऑफ अटोर्नी के लिए भी होता है। इसमें इशू ये है कि जिस कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हैं वो अपोसल को उसको मानना चाहिए। तो हालांकि 180 कंट्रीज हैं, तो अनलेस आप बहुत ही किसी अंटार्कटिका या कहीं रह रहे हो तो आपको अपोसल नहीं मानता, बट एनी नॉर्मल कंट्री, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट, एनी यूरोपियन कंट्री मोस्टली अडियर टू द अपोसल, तो आपको अपोसल कराना पड़ता है वहां से। बिल्कुल, तो पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो तमाम दर्शक भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। आदित्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े तमाम सवालों की, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्यों पावर ऑफ अटर्नी महत्वपूर्ण है और क्यों उसको रजिस्टर कराना अनिवार्य है, इसी को लेकर तमाम सवालों के जवाब हम तक पहुंचा रहे हैं आदित्य जी। आदित्य जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सवालों का सिलसिला भी आगे जारी रखते हैं। पावर ऑफ अटर्नी का उपयोग वित्तीय मामलों में किया जाता है, ऐसे में एजेंट प्रिंसिपल के बदले जो उसके सभी कानूनी वित्तीय जो लेन देन होते हैं वो दूसरे कार्यों के लिए भी फैसला ले सकते हैं। अब आम जिंदगी में ये कैसे लागू होता है ये जरा बताइए आप। जैसे पूजा जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, अब जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं उनमें से बहुत सारे के पास दिन में टाइम ही नहीं होता कुछ करने का, तो वो करते क्या है, वो अपने कोई भी भरोसेमंद आदमी को एक पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि आप बैंक में ये डिपॉजिट कर दीजिए फीस, आप बैंक से ये उठा लीजिए, या बाकी कोई काम हो, घर का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो जितने आपकी स्कोप आप सोच सकते हैं आप पावर ऑफ अटर्नी में सब ऑथराइज कर सकते हैं टू दी एजेंट जी। अब ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि कोई एनआरआई है जो फिजिकली इंडिया में ना प्रेजेंट है, तो वो अपने किसी ब्लड रिलेटिव को या किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनआरआई, पूजा जी आप जैसे जानती होंगी, इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हर रोज उस प्रॉपर्टी का कोई मेंटेनेंस चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, रेंट कलेक्शन होता है, वो सब एजेंट कलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो पावर्स अंडर जीपीए आर वाइड, वेरी वेरी वाइड। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ अटर्नी किसी भी अधिकार या अचल संपत्ति, रुचि या शीर्षक के संबंध में जो स्थानांतरण है उसका एक साधन नहीं है। इसे जरा आप बताइए दर्शकों को कि कैसे वो इस फैसले से प्रभावित होते हैं, दर्शक कैसे समझेंगे जो कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट थी इसको। बिल्कुल, तो पूजा जी 2011 से पहले अगर किसी को याद हो तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो होती थी जमीन की वो ब्लैक मनी से होती थी, तो टू कर्ब दैट बहुत सारी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दी, बहुत सारी रेगुलेशन भी आई, रेरा भी आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब होता क्या था पूजा जी उससे पहले, अब जैसे मैंने आपको समझाया पावर ऑफ अटर्नी में वाइट पावर्स होती, तो बिफोर 2011 लोग लैंड का ट्रांसफर कर देते थे थ्रू द पावर ऑफ अटर्नी। अगर जैसे मैंने आपने मेरे से जमीन खरीदी, तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इन टू अ सेल डीड उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी जगह मैं आपको एक जीपीए देता, जनरल पावर ऑफ अटर्नी की, पूजा जी ये लीजिए इस लैंड का जनरल पावर ऑफ अटर्नी और ये आपका हो गया। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे रेकग्नाइज भी करी कि ये तो बड़ा कॉमन सा काम है तो ये ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट नोट लिया कि इस सब में ना बहुत गड़बड़ हो रही थी पूजा जी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी पे लोग वो कर रहे थे, कम दे रहे थे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे रहे थे,
ऊपर से जो टैक्स होता है वो नहीं दे रहे थे। तो इस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पावर ऑफ अटर्नी जो है जी, द डॉक्यूमेंट इन इट सेल्फ कैनॉट कन्फर टाइटल। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम आए, आपको वैसे अगर जमीन खरीदनी हो और तो मैं आपको जीपीए दे सकता हूँ ना भी दे सकता हूँ, बट अगर आपको जमीन का टाइटल चाहिए तो आपको एक सेल डीड एंटर करनी पड़ेगी मेरे से, आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, बेसिकली जितने आपकी टैक्सेस हैं पेबल टू द गवर्नमेंट वो आपको सारा करना पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी भी एजेंट को पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाए तो क्या मामलों के प्रबंधन के अपने अधिकार खत्म हो जाते हैं, क्या उनके पास अपने कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे फिर? देखिए पूजा जी, ये भी एक बहुत कॉमन इशू है हमारे देश में, क्योंकि बैक इन द डे लोग इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी देते थे फिर निकल नहीं पाते थे। तो इसीलिए जो आप कह रही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इससे निकलने के लिए तीन चार चीजें हैं। सबसे पहली बात, आपको एक चेक रखना पड़ता है अपने एजेंट पे, ठीक है, कि वो जो स्पेसिफिक काम है वो कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं। जैसे आपको रेंट कलेक्शन करना है और वो एजेंट कर रहा है आपके लिए, तो आपको ऑडिटेड उससे अकाउंट मांगने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो जो एजेंट है आपसे डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पावर ऑफ अटर्नी एक बार दे दी तो उसके बाद में कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगा कि आपके एजेंट ने उसमें से पैसे खाए हुए हैं, तो आप उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। क्योंकि एजेंट की जो ड्यूटीज हैं वो पूजा जी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अच्छी तरह इंश्राइंड है। तो एन एजेंट कैनॉट हैव द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल डीलिंग विद द ट्रांजैक्शन। बिल्कुल आदित्य जी, पावर ऑफ अटर्नी कब और कैसे रद्द की जाती है? पूजा जी आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया। सॉरी, रद्द करने की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नी कब और कैसे इसको रद्द किया जा सकता है? जैसे खैर आपने अभी बताया भी है कि इसको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, और भी क्या इसकी कोई प्रक्रिया है? आप इसको सिंपल एक लेटर देके पावर ऑफ अटर्नी को आप खत्म कर सकते हैं। और आपको जो पावर ऑफ अटर्नी क्योंकि रजिस्टर्ड होगी, तो आपको जाके सब्सिक्वेंटली जो तहसीलदार हैं उधर एक्सेट्रा बाय वे ऑफ कॉशन वो भी बताना पड़ता है। बट पूजा जी मैं एक चीज रेकमेंड करता हूँ सबको कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी, अनलेस कोई ब्लड रिलेटिव हो तब अलग बात है, बट जनरल पावर ऑफ अटर्नी इस देश में किसी को देनी नहीं चाहिए। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दो उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि चलो मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में, आप मेरा बैंक अकाउंट संभाल लो, आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी दे दो, आप रेंट कलेक्ट कर लो, या आप मेरे लिए एक लैंड की ट्रांजैक्शन कर लो। तो जनरल जो पावर ऑफ अटर्नी है उससे बहुत सारे इश्यूज अराइज कर सकते हैं, स्पेशली हमारे देश में। अब जब कोई डीड एक्टिव हो और पावर ऑफ अटर्नी की मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज तैयार हो जाती हैं? देखिए पूजा जी, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पावर ऑफ अटर्नी है, हम अगर हम 2011 वाले डिसीजन पे वापस जाएं, तो उन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई हुई है कि पावर ऑफ अटर्नी सेपरेट है, सेल डीड अलग है। तो अगर जैसे आपने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू घर भी खरीदा बट आपके नाम पे सेल डीड भी है, आपने उसको जाके रजिस्टर कराया, आपने उसके स्टैम्प ड्यूटी दी, तो अगर आप पावर ऑफ अटर्नी रद्द भी कर देते वो जो सेल डीड है वो तब भी स्टैंड करेगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी रिवोक कर दी तो सेल डीड भी चले गई, वो सेल डीड तब भी आपके नाम पे होगी। चलिए ठीक है आदित्य जी, आपने तमाम सवालों को आज बताया बखूबी कि पावर ऑफ अटर्नी है क्या और किस तरह से इसको चुना जाता है, क्या इसकी कानूनी पूरी प्रक्रिया है। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़कर आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।